हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है 16 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी। और इसी की स्थापना को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बात हुई विश्व खाद्य दिवस की। अब अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बन गए हैं सारे हम एक करके रिवाइज करते हैं। ये आप हैबिट बनाइए, जिस भी मंथ में जो भी इंपोर्टेंट डे पड़े आप वो डे याद करिए और उससे पहले के सारे डे रिवाइज करिए। अगर आप ऐसे रिवाइज करते रहोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में जो भी इंपोर्टेंट डे पड़े आप उसे याद करिए और उससे पहले के सभी रिवाइज करिए। तो ये 16 अक्टूबर को पड़ा है विश्व खाद्य दिवस। अब हम 1 अक्टूबर से रिवाइज करेंगे। 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। और 1 अक्टूबर को एक और इंपोर्टेंट डे मनाया गया था। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व आवास दिवस। उसके बाद आया था 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, और गांधी जयंती पर क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उसके बाद आया था 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड टीचर्स डे। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और हम इंडिया में जो टीचर्स डे मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में हमेशा वर्ल्ड टीचर्स डे ही पूछा जाता है, तो आप याद रखिए वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अच्छा, उसके बाद क्या आया था? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया गया था इंडियन एयरफोर्स डे। उसके बाद आया था 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस। उसके बाद आया था 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि मेंटल हेल्थ डे। उसके बाद आया था 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद आया था 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? आपदा न्यूनीकरण दिवस। और 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? 15 अक्टूबर को दो इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है और दूसरा राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया है। तो ये दो इंपोर्टेंट डे 15 अक्टूबर को मनाए गए हैं, और अब ये 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? विश्व खाद्य दिवस। तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो आपको सारे इंपोर्टेंट डे याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरा खेल 2018 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में एशियाई पैरा खेल 2018 कंप्लीट हो गए हैं और इनमें इंडिया रहा है 9वें स्थान पर। यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया 9वें स्थान पर रहा है तो पहले दूसरे पर कौन कौन रहा है? तो पहले पर रहा है चाइना। चाइना ने टोटल 319 मेडल जीते हैं जिसमें से 172 गोल्ड मेडल हैं, 88 सिल्वर मेडल हैं और 59 ब्रॉन्ज मेडल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने टोटल 144 मेडल जीते हैं जिसमें से 53 गोल्ड हैं, 45 सिल्वर हैं और 46 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और तीसरे नंबर पर रहा है ईरान। ईरान ने टोटल 136 मेडल जीते हैं जिसमें से 51 गोल्ड हैं, 42 सिल्वर हैं और 43 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये टॉप थ्री आपको याद रखने हैं। पहले पे चाइना रहा है, दूसरे पे साउथ कोरिया और तीसरे पे ईरान। और अपना इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? अपना इंडिया रहा है 9वें नंबर पे। इंडिया ने टोटल 72 मेडल जीते हैं जिसमें से 15 गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं और 33 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अच्छा, अब आते हैं एशियाई पैरा खेल पर। इस बार जो एशियाई पैरा खेल हुए हैं यानी कि 2018 में जो एशियाई पैरा खेल हुए हैं ये तीसरे नंबर के थे। तो इससे पहले दो हो चुके हैं। पहला कहां पे हुआ था? चाइना में 2010 में हुआ था। दूसरा कहां पे हुआ था? साउथ कोरिया में, और वो कब हुआ था? 2014 में। और अब तीसरा कहां पे हुआ है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल एलन का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देखिए, ये थे पॉल एलन और इनका अभी हाल ही में 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट नाम इन्होंने ही दिया था, पॉल एलन ने। अभी 65 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला, इनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2018 के भारत के सामाजिक उद्यमी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है?
अभी हाल ही में 2018 के भारत के सामाजिक उद्यमी के रूप में प्रेमा गोपालन को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देखिए, ये है प्रेमा गोपालन और ये स्वामी शिक्षा प्रार्थना समिति की संस्थापक हैं। कौन है? स्वामी शिक्षा प्रार्थना समिति की संस्थापक। जमीनी स्तर पर महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें सामाजिक उद्यमिता के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनमोलू रामकृष्ण की जीवनी बिल्डिंग अ लेगेसी का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि ये अनमोलू रामकृष्ण कौन है, तो आपने L&T कंपनी का नाम सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो, ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और इसी के MD एंड CEO थे अनमोलू रामकृष्ण। इनका निधन हो चुका है, इनकी ये जीवनी है बिल्डिंग अ लेगेसी, इसका अनावरण किया है अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अच्छा, इनको मरणोपरांत 2014 में पद्म भूषण भी मिला था। किनको मिला था? अनमोलू रामकृष्ण को। और ये कौन थे? L&T के MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है? तो अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले और भी कई नाम बदले गए हैं, जैसे मुगलसराय का नाम बदलकर क्या किया गया है? दीनदयाल नगर। और उससे भी पहले एक कांदला बंदरगाह का नाम बदला गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कांदला बंदरगाह का नाम बदल के क्या किया गया था? दीनदयाल बंदरगाह। तो ये कुछ नाम जो बदले गए हैं ये आपको याद रखना है, एक तो कांदला बंदरगाह का नाम बदला गया है, एक मुगलसराय जंक्शन का नाम बदला गया है और अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे इंडिया में अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके ऊपर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है और इसकी आधारशिला रखी है हमारे प्रेजेंट टाइम के शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, और साथ में संस्कृत मंत्री भी अवेलेबल थे, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला रखी है नई दिल्ली में। अच्छा, संस्कृत मंत्री कौन है? तो महेश शर्मा है, प्रेजेंट टाइम पे हमारे संस्कृत मंत्री महेश शर्मा और हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो अभी हाल ही में AMFI के अध्यक्ष के रूप में निमेश शाह को चयनित किया गया है, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं निमेश शाह और ये अभी हाल ही में AMFI के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए हैं। अच्छा, ये जो टर्म लिखा है AMFI, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। चलते हैं, हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। प्रेजेंट टाइम पे हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी और इन्होंने ही छठे अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, रेशम की बात आई तो कल मैंने आपको बताया था रेशम के उत्पादन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, तो तुरंत आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि पहले नंबर पे कौन है। ये हैबिट आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, तुरंत क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। तो पहले नंबर पे है चाइना और इंडिया कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और ये छठा अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला कहां मनाया जा रहा है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन जारी की गई है? तो ये स्टीफन हॉकिंग्स की लास्ट बुक है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन और इसे अभी हाल ही में जारी किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है बुक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन और ये साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की लास्ट पुस्तक है। हाल ही में नोकिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में नोकिया ने आलिया भट्ट को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले नोकिया ने परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन अब नोकिया ने आलिया भट्ट को नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, नोकिया ने आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो नोकिया के बारे में पता होना चाहिए। ये कहां की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे नोकिया के सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे नोकिया के सीईओ हैं राजीव सूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में सूरज पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में सूरज पवार ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं सूरज पवार और इन्होंने अभी हाल ही में 5000 मीटर की रेस वॉक में ये सिल्वर मेडल जीता है और ये युवा ओलंपिक खेलों में इंडिया का पहला एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल है। तो ये भी आपको याद रखना है। वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये बना JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। कल गूगल को खोलाओ तो गूगल ने ये, इसको बोलते हैं गूगल डूडल। तो भारत के बहुत महान संगीतकार, इनका जन्म 16 अक्टूबर को था, तो गूगल ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित करी गूगल डूडल बनाकर। ये कौन है भारत के प्रसिद्ध तबला वादक जिनको गूगल ने खुद श्रद्धांजलि दी उनका गूगल डूडल बनाकर? इनका काम नाम कमेंट्स में लिख के बताइए और यह भी बताइए कि ये कौन से घराने के थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं करंट अफेयर कवर कराऊंगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के UP SSSC जो एग्जाम था उसकी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पश्चिम बंगाल में फॉरेस्ट का एग्जाम था, फॉरेस्ट ऑफिसर का, उसके भी कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है रोम में जो इटली की राजधानी है, और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय भी इटली की राजधानी रोम में है। इस बार इसका थीम क्या था वर्ल्ड फूड डे का? विश्व खाद्य दिवस का जो विषय था वो था आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, अ जीरो हंगर वर्ल्ड बाय 2030 इज पॉसिबल। यानी कि हम अपने जो कार्य करते हैं उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वही हमारा भविष्य है, और 2030 तक एक ऐसे विश्व की कल्पना करना जिसमें भुखमरी जीरो हो, यह संभव है। और 2030 ही क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि 2030 तक ही हमें जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी सतत विकास लक्ष्य, उनको पूरा करना है। ब्रेक इनटू इंडिया स्ट्रेटेजी कमेटी, ब्रेक इनटू इंडिया मतलब इंडिया के अंदर चलो, इंडिया के अंदर घुसो, इंडिया के अंदर जाओ। ये बेसिकली कौन सा देश है जो ये चाह रहा है कि उस देश के जो उद्यमी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भारत में निवेश करें, और उनके लिए भारत में निवेश आसान बनाने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई है, इसका नाम रखा है ब्रेक इनटू इंडिया स्ट्रेटेजी कमेटी। ये बनाई है श्रीलंका ने। सो आंसर है श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, ऐसा कौन सा देश है जिसमें कम से कम 3 मिलियन यानी 30 लाख नागरिक ऐसे हैं जिन्हें भोजन की तत्काल आवश्यकता है और अगर उन्हें सहायता नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है, अकाल का सामना करना पड़ सकता है, भुखमरी फैल सकती है, कुपोषण हो सकता है। ये कौन सा देश है जिसके 30 लाख नागरिक भोजन की तलाश में है? ये देश है अफगानिस्तान। लगभग 17 साल से युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ अफगानिस्तान का, इस वजह से अफगानिस्तान को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में विकास हो ये हम सब चाहते हैं, इसके लिए एक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होती है जिसको नाम दिया गया है हार्ट ऑफ एशिया। क्या आप बता सकते हो हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस है, इनकी पिछली मीटिंग जो हुई थी वो भारत के किस शहर में हुई थी? और अफगानिस्तान के राजदूतों को भारत और चीन मिलकर ट्रेन करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, सिल्क मतलब रेशम, तो रेशम के लिए ये एक व्यापार मेला हुआ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। इसका 6ठा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? यह शहर है दिल्ली। दिल्ली में आयोजित किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय जो है उनकी मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। भारत दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम जब हम कहते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर यानी रेशमी कीड़ों जो है उन्हें पालना और उनसे रेशम निकालना, इन्हें बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या आप कमेंट्स में लिख के ये बता सकते हो कि भारत में जो मूगा सिल्क है ये कौन से राज्य में पाया जाता है? मूगा सिल्क। सरकार ने उन राज्यों के लिए कितने रुपए का पुरस्कार घोषित करा है जो सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण को समय से पहले पूरा कर लेंगे? सौभाग्य योजना बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को, यानी हर घर में बिजली होनी चाहिए। तो अगर आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिफिकेशन यानी घरेलू विद्युतीकरण समय से पहले पूरा कर लोगे तो कितना इनाम मिलेगा? इनाम मिलेगा 100 करोड़ रुपए।
सरकार की तरफ से मिलेंगे 100 करोड़ रुपए, हमारे बिजली मंत्री हैं पीयूष गोयल। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अपनी वेबसाइट के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक आभासी सहायक लॉन्च करा है। इसका नाम क्या है? इनसे ये जो आभासी सहायक है, आप इससे कुछ भी बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये जवाब देगा। इसका नाम रखा है आस्क दिशा, यानी आस्क मतलब पूछना, दिशा से पूछो, दिशा से आस्क करो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका नाम हो गया है प्रयागराज। योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया और उत्तर प्रदेश में कई सारे जो नामांकन है वो नए किए गए हैं, जैसे कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट, उसका नाम बदल के गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पे रखने का सरकार कर रही है। अब इलाहाबाद चेंज हो गया है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सबके नाम भी चेंज होंगे और प्रयागराज के नाम भी रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आगरा का जो एयरपोर्ट है उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे, मुगलसराय का नाम ऑलरेडी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा जा चुका है, और जो रॉबर्ट्सगंज है उसका नाम पलट के सोनभद्र हो चुका है, लखनऊ में हजरतगंज जो है उसका नाम अटल चौक हो जाएगा। तो बहुत सारे नामांकन जो है वो बदल रहे हैं। बरेली, जिसे भगवान शिव का घर माना जाता था, उसका नाम अब हो जाएगा नाथ नगरी, बरेली एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा नाथ नगरी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बोलते हैं AMFI शॉर्ट में, और ये होंगे निमेश शाह। निमेश शाह वर्ष 2018 का भारतीय सामाजिक उद्यमी, सर्वश्रेष्ठ भारतीय सामाजिक उद्यमी यानी सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? यह अवार्ड मिला है प्रेमा गोपालन को। प्रेमा गोपालन कौन है? प्रेमा गोपालन जो है ये स्वयं शिक्षण प्रयोग इन्होंने शुरू किया था। इनकी एनजीओ का नाम याद रखिए, स्वयं शिक्षण प्रयोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है, स्वयं शिक्षण प्रयोग। स्वर्गीय अनुमोलू रामकृष्ण, इनकी जीवनी लिखी गई है। अनुमोलू रामकृष्ण जो है ये भारत के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, कंस्ट्रक्शन में बहुत काम किया इन्होंने, निर्माण तकनीकों में, अभिनव प्रणाली, भारतीय निर्माण क्षेत्र में नई नई चीजें लेकर आए, ये नवाचार किया इन्होंने, तो बहुत बड़े निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे अनुमोलू रामकृष्ण। तो अनुमोलू रामकृष्ण की जीवनी किसने लिखी है अभी अभी, और ये जीवनी हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रिलीज करी, इसकी इसका जो विमोचन किया एक प्रति का वो इन्होंने किया। तो ये जीवनी लिखी है अभी अभी वी पट्टा भी राम ने, वी पट्टा भी राम। युवा ओलंपिक खेल चल रहे हैं, आपको पता होगा युवा ओलंपिक खेल जो है वो खत्म होने वाले हैं 18 तारीख को, 18 कल है, तो यूथ ओलंपिक खेल जब खत्म होंगे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी तक बस इतना याद रख लो, सिर्फ भारत के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। सबसे पहले थे जेरेमी लाल रिनुंगा मिजोरम के खिलाड़ी हैं भारोत्तोलन में, दूसरी थी मनु भाकर जो ध्वजवाहक भी थी, हरियाणा की शूटर, और तीसरे थे सौरभ चौधरी जो शूटर है मेरठ के, इन तीनों ने जीता है स्वर्ण पदक अभी तक, और बाकी जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कौन जीत रहा है। तो अब ये पूछा है कि भारत का पहला पदक किसने जीता इसमें, एथलेटिक्स में पहला पदक जो जीता है वो जीता है सूरज पंवर ने। सूरज पंवर ने किस में जीता है? 5000 मीटर की रेस हुई थी उसमें इन्होंने जीता है। तो जो भी सिल्वर मेडल वाले हैं, जैसे मेहुली घोष ने जीता सिल्वर मेडल, और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब यूथ ओलंपिक है, उसमें डिटेल में कवर करेंगे। यूथ ओलंपिक कहां पे हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये हो रहे हैं ब्यूनोस आयरेस में जो अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा अगले वाले कहां पे होंगे 2022 में? अगले होंगे सेनेगल में, सेनेगल की राजधानी है डकार, सेनेगल अफ्रीका का एक देश है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है प्रियंक कानून गो। पॉल एलन का निधन हो गया, ये कौन सी कंपनी के सह संस्थापक थे, कौन सी कंपनी इन्होंने शुरू करी थी? इन्होंने बिल गेट्स के साथ शुरू करी थी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो दो लोगों ने शुरू करी थी, एक तो बिल गेट्स थे और एक थे पॉल एलन। बिल गेट्स जो है वो आज की तारीख में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस के बाद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पहला अध्यक्ष कौन था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंत। और अभी कौन है? अभी है आदर्श कुमार गोयल,
जस्टिस ए के गोयल ये हैं एनजीटी के अभी अध्यक्ष। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे आपको मिलेंगे जवाई जंगल? जवाई जंगल मिलेंगे पाली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में। सो आंसर है राजस्थान। यहां पे पाए जाते हैं जवाई बंद फॉरेस्ट और इनको कंजर्वेशन रिजर्व का स्टेटस मिला हुआ है। यहां पे जवाई बांध भी है, सुमेरपुर तहसील बोलते हैं इसे। तो मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं यहां पे, तो आंसर है राजस्थान। कमेंट्स में लिख के आप ये बता सकते हो राजस्थान का कौन सा ऐसा पहला प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे लायन सफारी अभी अभी शुरू की गई है। ध्यान से सुनो सवाल को, राजस्थान में लायन सफारी अभी अभी कहां पे शुरू की गई है, कमेंट्स में लिख के बताओ। निम्नलिखित शहर में से कौन सा शहर है जिसे हम गेटवे टू टाइगर रिजर्व्स बोलते थे? इसे महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी बोलते हैं, इसका नाम है नागपुर। नागपुर, नागपुर में एक बहुत फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम कमेंट्स में लिख के बताइए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बहुत फेमसली हम इसे CSIR बोलते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शेखर मांडे। हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वैसे डायरेक्टर जनरल वर्ड ज्यादा अच्छा यूज करते हैं, जो ज्यादा कॉमन वर्ड यूज होता है वो महानिदेशक यूज होता है, लेकिन प्रबंध निदेशक भी बोल सकते हो। सो आंसर है शेखर मांडे। अभी अभी मालनाद अल्ट्रा मैराथन, ये रेस होती है मैराथन की रेस, ये कहां पे शुरू हुई है? मालनाद अल्ट्रा मैराथन ये शुरू हुई है कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। और हम जानते हैं कि जो कॉफी का उत्पादन है वो चिकमंगलुरु, कोडागु और हसन डिस्ट्रिक्ट में होता है कर्नाटक में। विश्व अंडा दिवस ये कब मनाया गया? वर्ल्ड एग डे। देखो वर्ल्ड एग डे जो होता है वो अक्टूबर के दूसरे फ्राइडे को मनाया जाता है, ठीक है, सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड एग डे। तो जो दूसरा फ्राइडे अक्टूबर का था वो था इस बार 12 अक्टूबर को। सो आंसर है इसका 12 अक्टूबर। किस देश की टीम ने सुल्तान जोहर कप जीता है? ये हॉकी का कप होता है सुल्तान जोहर कप, इसको जीता है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने जीता है और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? फाइनल में हराया इन्होंने मलेशिया को। मलेशिया भी न्यूज में चल रहा है क्योंकि मलेशिया ने जो सजाए मौत है यानी कैपिटल पनिशमेंट उसको खत्म कर दिया। चलिए ये तो थे करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के 20, और अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल में एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट ऑफिसर का, अभी अभी हुआ था 5 अगस्त को, तो एक महीना ही हुआ है कुछ, तो एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है। इनमें यह पूछा गया कि कोबरा लिली प्लांट, ये बिल्कुल सांप जैसा दिखता है, कोबरा आप जानते हो सांप होता है, तो कोबरा लिली प्लांट ये भारत के किस राज्य में खोजा गया था? बहुत लंबे समय बाद खोजा गया था, नीलगिरी की पहाड़ियों में। सो आंसर है वेस्टर्न नीलगिरीज इन साउथ इंडिया। उसके बाद भारत जो है वो पूरी दुनिया के साथ उन्होंने 125वीं सालगिरह मनाई किस चीज की? ये देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उतना आसान नहीं है। आपको याद होगा सितंबर 1893 में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में, अमेरिका में एक जगह है शिकागो जो इलिनॉय में है, वहां पे इलिनॉय राज्य में जगह है शिकागो, और वहां पे उन्होंने एक स्पीच दिया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। तो अगर हम देखें 1893 और अब चल रहा है 2018, तो 125 साल हो गए, यानी कि किस चीज की सेलिब्रेशन करी भारत ने पूरी दुनिया के साथ मिलकर? 125वीं एनिवर्सरी किस चीज की थी? अ हिस्टोरिक इवेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ था 125 साल पहले, उसकी की थी। अब यहां पे देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है किसी बहुत फेमस आदमी का जन्म, नहीं किसी बहुत फेमस आदमी का जन्म नहीं था, यह था हिस्टोरिक इवेंट इन यूनाइटेड स्टेट जिसको बोलते थे पार्लियामेंट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स। भारत के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उन्होंने यह कहा है हम UGC को भी खत्म कर देंगे और हम AICT को भी खत्म कर देंगे, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को भी खत्म कर देंगे। इनकी जगह क्या आ जाएगा? इनकी जगह आ जाएगा हीरा, HEERA, हीरा की फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। सो इसका आंसर हो गया डी। रामोन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस की सरकार देती है, यह पहली बार कब दिया गया था? यह पहली बार दिया गया था 1958 में, 1958। इनमें से कौन सा शहर है जिसे वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर करा गया है 2017 से 2019? देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, देखो अब ध्यान से सुनो, 2017, 2018, 2019, ठीक है। 2017 में कौन सा था? कोनाक्री। 2018 में एथेंस, ग्रीस की राजधानी, और 2019 में जो है शारजा। शारजा है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। अब यह पूछा आपसे यह नहीं कि 2018 में किसको डिक्लेयर किया गया, ऐसे पूछ लिया कि 2017 से 2019 के बीच किसे डिक्लेयर किया गया, तो इसका आंसर हो गया एथेंस। तो इसका आंसर है सी, एथेंस। और अगर सिंपल लिख देते कि 2018 तो आंसर हो जाता एथेंस, 2019 लिख देते आंसर हो जाता शारजा।
सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन है? इसे बोलते हैं सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो इसके चेयरमैन है प्रसून जोशी। इनमें से कौन से डॉक्टर हैं? गायनेकोलॉजिस्ट मतलब होता है जो महिलाओं का डॉक्टर होता है, जिसे बोलते हैं प्रसूति, प्रसूति जो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे। तो 2018 नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है, कौन डॉक्टर है ये? ये कॉन्गो के हैं और इनका नाम है डॉक्टर डेनिस मुकवेगे, डॉक्टर डेनिस मुकवेगे। और एक को और मिला है नादिया मुराद। नादिया मुराद कौन से देश की है? इराक, इराक की है नादिया मुराद। राही सरनोबत कौन सा खेल खेलती है? आपको याद होगा राही सरनोबत कोल्हापुर की है, इन्होंने एशियाई खेल जो हुए थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये शूटिंग करती है, पिस्टल शूटर। सो आंसर है शूटिंग। इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर यानी साल का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला 52वें स्कॉच सम्मेलन में? इनका नाम है वसुंधरा राजे और ये राजस्थान की मुख्यमंत्री है। सुषमा स्वराज तो वैसे ही निकाल दो, ये तो मुख्यमंत्री है भी नहीं। उमा भारती भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, शीला दीक्षित भी नहीं है, तो आंसर हो गया वसुंधरा राजे। एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। जून 2018 में तुर्की के कौन राष्ट्रपति हैं जो फिर से चुनाव जीत गए और अब ये सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं तुर्की के? इनका नाम है रसीप एर्डोगान। तुर्की की राजधानी अंकारा है। 6 क्वेश्चन और करते हैं। इनमें से कौन सा शहर है जिसे भारत का स्टील सिटी बोलते हैं? स्टील सिटी बोलते हैं जमशेदपुर को, टाटा नगर भी बोलते हैं। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला 2017? हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला जावेद अख्तर को। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और हैं, ये एक्चुअली रिपीट, ये एक्चुअली हिंदी में लिखे हैं। तो ये पुरस्कार जो, ये एक क्वेश्चन ही एक्चुअली, ये भी हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। तो ये बोला है कि कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सी अभिनेत्री है जिन्हें भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध है उन्हें मजबूत करने के लिए सिनेमा के माध्यम से स्पेशल योगदान के लिए मिला है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर पुरस्कार? ये मिला है काल्की कोचलिन को, काल्की कोचलिन। गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे वैसी ट्रेन है, सबसे फास्ट, ये चलती है दिल्ली से आगरा। अब खैर ये आगरा से आगे भी जाने लगी है उस रूट पे जो झांसी वाला और ये जो एरिया है जो उसी के आगे कानपुर वगैरह जो आते हैं उसी में, तो ये अब आगे भी जाएगी। खैर गतिमान एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? पश्चिम यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती है बेसिकली। नर्मदा गिरती है, साबरमती बिल्कुल, लूनी, कृष्णा, कृष्णा नहीं, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। संविधान जो है लिखा है वो अपनाया कब था हमने? लागू तो हुआ था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं 1950, इससे 2 महीने पहले, तो इससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949। उसके बाद पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह आसान सवाल है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी के बिल्कुल पास है, कुछ 10-15 किलोमीटर के आसपास होगा। भारत का कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो ये कहता है कि हमें हमारी जो स्मारक है और जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट हैं, मीनारे हैं, स्मारक हैं, उन्हें बचाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए? यह है अनुच्छेद 49। उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड सन 2000 में बना था, ये तो सब जानते हैं। तीनों ही 2000 में बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।